हाथरस हादसे के चार दिन बाद सामने आया भोले बाबा उर्फ सूरजपाल। कहा भरोसा है कि बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी, दुख की घड़ी में लोगों के साथ। हाथरस कांड पर मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी देवप्रकाश मधुकर सरेंडर के बाद गिरफ्तार। न्यायिक आयोग आज मौके का करेगा दौरा। नीट परीक्षा कैंसिल करने के खिलाफ सरकार, सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में कहा रद्द करने से लाखों छात्रों को होगा नुकसान। आज से काउंसलिंग शुरू। और देश के कई राज्यों में बेहिसाब बारिश से हाहाकार। असम में बाढ़ तो उत्तराखंड और हिमाचल में दरके पहाड़। 6 और 7 जुलाई के लिए जारी रेड अलर्ट।